गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। ये आपके यूनिट फर्स्ट में ही है, यूनिट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। और यूनिट फर्स्ट में आपका एक तो है मनी के बारे में सारा, और दूसरा है आपका इन्फ्लेक्शन के बारे में और डिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि मुद्रा प्रचार और मुद्रा जो संकुचन है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक में, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस आती हैं। वैसे आपके सिलेबस में इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन है, लेकिन हम देखेंगे कि इकोनॉमिक में कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं इम्पॉर्टेंट रूप से, ताकि आपको पता रहे कि इस तरह की सिचुएशन आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किस टाइप की सिचुएशन आती है अर्थव्यवस्था में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेक्शन की। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मुद्रा प्रचार। क्या होता है? इन्फ्लेक्शन का मतलब मुद्रा प्रचार, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है डिफ्लेक्शन की, जिसे कहते हैं मुद्रा संकुचन। तीसरी आती है जिसे हम सिंपल सी, इस मुद्रा प्रचार को हम कहते हैं महंगाई। जब आप देखते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो भी प्राइसेस होती हैं उत्पादन की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे महंगाई कहते हैं, मुद्रा प्रचार। इन्फ्लेक्शन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपके अर्थव्यवस्था में, जो भी उत्पादन है, जो भी प्रोडक्शन है उसकी, तो वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो डाउन हो जाती है, यानी कि जो रुपए की आप कह सकते हैं वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, जब आपके उत्पादन की प्राइसेस बढ़ जाएगी, तो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे का जरूरत रहेगा या बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। दूसरी कंडीशन जो आती है वो आती है डिफ्लेक्शन की, जिसे कहते हैं मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है जहाँ जिस कंडीशन में प्राइसेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्राइसेस कम होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मंदी, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं मंदी, ठीक है। इस मंदी का मतलब क्या होता है कि उत्पादन किसी भी कारण से, हो सकता है कि आपके देश में उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्राइसेस क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। और जब कीमत गिरेगी तो आप जानते हैं वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मंदी में तो क्या होती हैं, जो प्राइसेस होती हैं प्रोडक्शन की वो डाउन हो जाती हैं, कम हो जाएगी, और जो वैल्यू ऑफ मनी है यानी कि जो मुद्रा का मूल्य है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है आपको बाजार में बहुत सस्ती वस्तुएं मिलेगी, यानी कि आपको बहुत कम खर्च करके अपने प्रोडक्शन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसे मंदी कहेंगे। थर्ड जो कंडीशन है उसे कहते हैं मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेक्शन। तो तीसरी जो कंडीशन है रिफ्लेक्शन की, उसका मतलब होता है कि जब आप देखते हैं डिफ्लेक्शन के कारण यानी मुद्रा संकुचन के कारण जब आर्थिक मंदी बहुत ज़्यादा छा जाती है, यानी ये जो कंडीशन होती है मुद्रा संकुचन की, उसके कारण बहुत ज़्यादा आप देखते हैं प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, चारों तरफ बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो उस कारण से क्या किया जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से जो मनी होती है, मनी की जो मात्रा होती है, ठीक है, यानी कि मुद्रा की जो मात्रा होती है उसमें जानबूझ के वृद्धि की जाती है, उसको जानबूझ के बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि हम इस डिफ्लेक्शन, इस मुद्रा संकुचन से निकल पाए। तो इसे कहते हैं, क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि मंदी को जो कम करना होता है, मंदी को कम करने के लिए जानबूझ के मनी की मात्रा को बढ़ाया जाता है, ताकि लोगों, ताकि क्या हो सके कि ये जो आपका आप कह सकते हैं कि मंदी, जो जानबूझकर जो मंदी, जो डिफ्लेक्शन का प्रभाव है उसको दूर करके और मुद्रा प्रचार किया जाता है, ठीक है, मनी का जो है उसका ज़्यादा रोटेशन किया जाता है, ताकि हम उस मंदी का जो डिफ्लेक्शन टाइम पीरियड है उसे निकल पाएं। एक होता है डिसफ्लेक्शन। डिसफ्लेक्शन का मतलब होता है मुद्रा अपस्फीति, और उसका मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा आप देखते हैं निराशा आती है, सारे कंज्यूमर प्राइजेस बढ़ जाने के कारण चिल्लाने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? जानबूझ के मनी को कम किया जाता है, जानबूझ के आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन को कम करने के लिए जानबूझकर मनी का थोड़ा सा, मनी की कमी की जाती है, मनी की मात्रा को कम किया जाता है, तो उसे कहते हैं डिसफ्लेक्शन। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन्फ्लेक्शन
जो होता है वो डिफ्लेक्शन से कनेक्टेड होता है, जबकि डिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन से कनेक्टेड होता है। इसे हम एक डायग्राम से देखते हैं। देखिए, ये है मुद्रा प्रचार। मुद्रा प्रचार का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब मुद्रा प्रचार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाना। जब महंगाई बढ़ती है, आप जानते हैं सभी कि वहाँ पे प्राइजेस, आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो तो कहाँ चली जाएगी? ऊपर। और वैल्यू ऑफ मनी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, यानी पैसे का महत्व कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा हायर प्राइजेस होगी। क्लियर है? अब जो दूसरी कंडीशन आती है इम्पॉर्टेंट, वो होती है मुद्रा संकुचन, यानी कि आप कह सकते हैं ये हो गया डिफ्लेक्शन का। ठीक है, डिफ्लेक्शन, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो तो कम हो जाती हैं और जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सा रुपया लेके जाना है, जबकि यहाँ पे आप इतना सा प्रोडक्ट परचेज करने जाओगे आपको बहुत सारा रुपया लेके जाना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मनी और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और ये हमारी मनी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफ्लेक्शन में हमें पैसे की जरूरत कम रहेगी और हमारे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आ सकता है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना सा प्रोडक्शन आपको परचेज करना है लेकिन आपको मनी कितना ज़्यादा चाहिए? इतना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये तो इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मुद्रा प्रचार होता है, बहुत ज़्यादा जब महंगाई बढ़ जाती है इस कंडीशन में, तो क्या किया जाता है? जानबूझकर मनी की जो मुद्रा की मात्रा होती है उसे कम किया जाता है, यानी कि उसे इस पॉइंट से लेकर नीचे लेके आया जाता है, यानी कि यहाँ नीचे की तरफ लाया जाता है, और उस कंडीशन को कहते हैं मुद्रा अस्फीति, यानी कि हम कह सकते हैं डिस्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे? डिस्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ कि यानी कि मुद्रा प्रचार को कम करने के लिए जानबूझ के मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है, इसे कहते हैं मुद्रा अस्फीति। क्लियर है? साथ ही जब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, मंदी होती है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि प्राइजेस बहुत डाउन होती है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है, तो वहां पे जानबूझ के मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं मुद्रा अस्फीति यानी कि रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ कि मंदी के प्रभाव को, डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए जो यंत्र काम आता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यानी कि जो प्रोफेसर कॉल थे उन्होंने कहा था कि जब जानबूझकर जो डिफ्लेक्शन होता है उसके प्रभाव को कम किया जाता है उसे कहते हैं मुद्रा अस्फीति यानी कि रिफ्लेक्शन। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि अर्थव्यवस्था में कैसे कैसे सिचुएशन आती है। हर कोई चाहता है कि अर्थव्यवस्था में जो है प्राइजेस हैं वो आपके सामान्य रहे, यानी कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह चले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सामान्य मूल्य है जो कि स्ट्रेट लाइन की तरह, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा जो प्राइजेस होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लक्चुएट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो कभी इन्फ्लेक्शन का कारण बनता है, कभी डिफ्लेक्शन मंदी का कारण बनता है, और इसको कम करने के लिए दो उपाय बताए हैं, एक है डिस्फ्लेक्शन, एक है रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस में है इन्फ्लेक्शन और इन्फ्लेक्शन के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फ्लेक्शन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन इन्फ्लेक्शन की, यानी कि जो ये मुद्रा प्रचार है सबसे पहले हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, मुद्रा प्रचार के बारे में। क्लियर? देखिए मुद्रा प्रचार के हम सबसे फेमस जो कह सकते हैं डेफिनेशन है वो है आपके प्रोफेसर काउंथर की डेफिनेशन। कौन है? प्रोफेसर काउंथर ने एक डेफिनेशन दी थी, प्रोफेसर काउंथर। ठीक है, उन्होंने ही एक डेफिनेशन दी थी कि इन्फ्लेक्शन इज अ स्टेट, इन्फ्लेक्शन इज अ स्टेट इन विच the value of money is falling, and prices are rising। ठीक है, क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में प्रोफेसर काउंथर?
प्रोफेसर काउंटर ने कहा कि मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या है, गिर रहा है, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, फैलिंग, और प्राइजेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन्होंने, प्रोफेसर काउंटर ने कहा कि मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें बढ़ती हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, डाउन होती है और प्राइजेस बढ़ती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप मार्केट से ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, सपोज दैट ये चॉकलेट का बॉक्स से आप परचेज करना जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या लेके जानी पड़ेगी, मनी लेके जानी होगी। क्लियर है, इसको खरीदने के लिए आपको बहुत सारा रुपए लेके जाना होगा। इसका मतलब है मनी की वैल्यू डाउन हो गई, इसीलिए, यानी इतना छोटा सा पैकेट परचेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मनी लेके जानी हो रही है, इसीलिए मनी का वैल्यू क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, और जो प्राइजेस हैं वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसीलिए ये इतना सा चॉकलेट का बॉक्स आपको बहुत ज़्यादा पैसों से मिल रहा है। तो ये थी प्रोफेसर काउंटर की। अब हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन की, प्रोफेसर कैमरर। प्रोफेसर कैमरर थे, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी इन्फ्लेक्शन की। प्रोफेसर कैमरर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आता है इन्फ्लेक्शन पे ऐसे लिखिए, इन्फ्लेक्शन पे निबंध लिखिए, तो उसमें जब तक आप कोई डेफिनेशन नहीं लिखोगे तब तक क्या होगा कि आपको जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो प्रोफेसर कैमरर ने कहा, जब विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि कीमत स्तर बढ़ जाता है, इसे मुद्रा स्फीति की स्थिति कहते हैं। क्या कहा था उन्होंने कि इन्फ्लेक्शन इज टू मच मनी, इन्फ्लेक्शन इज टू मच मनी एंड डिपॉजिट करेंसी इन रिलेशन टू द फिजिकल वैल्यू वॉल्यूम ऑफ बिजनेस डन। देखिए, उन्होंने ये डेफिनेशन कही थी कि इन्फ्लेक्शन इज टू मच मनी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है कि जब विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी मांग, यानी कि उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी कि जो हम लेन देन करते हैं विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि जो कीमत स्तर है वो बढ़ जाता है, उसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन। क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रोफेसर किन्स की, तो प्रोफेसर किन्स ने अपनी डेफिनेशन में केवल इतना बताया कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मुद्रा प्रचार नहीं होता है, यानी कि उन्होंने बताया कि जो मुद्रा है यानी मनी है, मनी की अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इससे इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। उन्होंने कहा इससे इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, प्रोफेसर किन्स ने कहा कि अगर हम सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट भी मुद्रा स्फीति को जन्म देते हैं। उन्होंने तीन फैक्टर बताए थे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट। उन्होंने बताया कि सिर्फ मनी सप्लाई या मनी की क्वांटिटी बढ़ने से इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, सेविंग, बचत, विनियोग और ब्याज दर के कारण भी मुद्रा प्रचार होता है, ऐसा प्रोफेसर किन्स का मानना था। तो ऐसा प्रोफेसर किसने कहा था, किन्स ने, ठीक है, जिन्होंने अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट की थ्योरी भी उन्होंने दी थी, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें और बहुत छोटी सी डेफिनेशन की, तो प्रोफेसर हार्ट्रे ने कहा था कि बहुत ज़्यादा जो मुद्रा निगमन है मुद्रा स्फीति बनता है, यानी एक्सेस मनी इश्यू करते हो तो मनी इन्फ्लेक्शन बनेगा ही बनेगा, ऐसा प्रोफेसर हार्ट्रे बताते हैं कि अत्यधिक मुद्रा निगमन को मुद्रा स्फीति माना गया है, ठीक है। प्रोफेसर गैंगरी थे, उन्होंने तो सिर्फ परचेजिंग पावर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, परचेजिंग पावर अगर लोगों की बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर जब बढ़ जाती है तो ये इन्फ्लेक्शन बनता है, ऐसा प्रोफेसर गैंगरी ने कहा था।
गैंगरी क्या कहते थे प्रोफेसर की परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता जब बढ़ती है, क्रय क्षमता बढ़ेगी तो आप सभी जानते हैं डिमांड बहुत ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइजेस ज्यादा होती है। तो ऐसा प्रोफेसर गैंगरी ने अपनी डेफिनेशन में कहा था, क्रय क्षमता का बढ़ना इन्फ्लेक्शन का कारण होता है। और प्रोफेसर किन्स ने सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट पे फोकस किया था। उसी तरह से एक बेस्ट डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर पॉल इंजिंग ने। पॉल इंजिंग ने अपनी डेफिनेशन में कहा था कि मुद्रा स्फीति क्रय शक्ति की विस्तारशील प्रवृत्ति है जो मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण और प्रभाव बनती है। यानी कि जो इन्फ्लेक्शन है वो किसके कारण बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर के कारण बढ़ रहा है। ओके, तो परचेजिंग पावर के कारण हम कह सकते हैं कि जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो आपका जो प्राइस लेवल है वो क्या होने वाला है, वो भी बढ़ने वाला है। क्लियर? तो ये इन्फ्लेक्शन का प्रोफेसर पॉल इंजिंग ने अपनी डेफिनेशन में कहा था। क्लियर? और भी हम अगर डेफिनेशन, बहुत ज्यादा डेफिनेशन की यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा डेफिनेशन का डिस्कस किया, आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 3-4 डेफिनेशन लर्न होना जरूरी है। अब हम ये मानते हैं कि जो प्रोफेसर पिंगू थे वहाँ उन्होंने बहुत ही डिफरेंट बताई थी। प्रोफेसर पिंगू ने जो बताया था उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं। प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर पिंगू की। तो देखिए, प्रोफेसर जो पिंगू थे उन्होंने बताया कि मौद्रिक आय, जो मॉनेटरी इनकम होती है, उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना मॉनेटरी इनकम, जबकि आप कह सकते हैं मुद्रा प्रचार की स्थिति, उन्होंने बताया, तब उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय है वो आपकी क्रियाओं में बहुत अधिक तेजी से बढ़ने लग जाती है। समाज में क्या होता है, जो अपना आप कह सकते हैं सोसाइटी है, वहाँ पर मॉनेटरी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ती है, यानी कि लोगों की आय बढ़ने लग जाती है, तो मुद्रा प्रचार होगा ही होगा। उन्होंने कुछ कंडीशन बताई थी, उनकी कंडीशन ये थी कि मॉनेटरी, एक तो उन्होंने बताया कि जो मॉनेटरी इनकम है यानी कि मौद्रिक आय है उसका बढ़ना, मॉनेटरी आय का बढ़ना, ठीक है, और साथ ही साथ वो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं धन से संबंधित वो सारी बढ़ जानी। दूसरा उन्होंने बताया कि मॉनेटरी इनकम तो आपकी बढ़ रही है, मॉनेटरी इनकम आपकी बढ़ रही है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो, मौद्रिक इनकम तो बढ़ रही है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है, आपके पास उत्पादन, प्रोडक्शन कम है, तो उत्पादन कम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्या देना होगा, पे करना पड़ेगा, यानी हर बहुत ज़्यादा डिमांड होने पर इस प्रोडक्शन की जो प्राइजेस हैं वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो प्रोडक्शन कम है क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और तीसरा उन्होंने बताया कि आपकी मॉनेटरी आय जो है उसमें वृद्धि, मॉनेटरी इनकम तो आपकी बढ़ रही है लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो स्टेबल है, आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, स्टेबल है, यानी कि स्थिर है। अब देखो, मौद्रिक आय तो आपकी बढ़ रही है लेकिन आपका उत्पादन स्थिर है, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आप जानते हैं परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब होता है लोगों की डिमांड बढ़ना। अब यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो तो क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, तो आप जानते हो जो प्रोडक्शन स्थिर है तो उस उत्पादन को मांगने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अब हम ऐसा मानते हैं कि मॉनेटरी जो इनकम है अगर वो स्टेबल है, अगर वो स्थिर है, ठीक है, लेकिन जो उत्पादन है उसमें कमी हो रही है। अब आपकी मौद्रिक आय तो चलो है जैसी बनी भी है लेकिन आपके उत्पादन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर मॉनेटरी इनकम में कमी हो रही है लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा कमी हो रही है, उसमें ज़्यादा कमी हो रही है, मतलब मॉनेटरी इनकम तो कम हो रही है लोगों की लेकिन उत्पादन में ज़्यादा कमी हो रही है उसके कंपैरिजन में। सपोज दैट कि मॉनेटरी इनकम में 20% कमी हो रही है लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें 60% कमी हो रही है, तो देखो यहाँ पे फिर भी हम कह सकते हैं मॉनेटरी इनकम ज़्यादा है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि मॉनेटरी इनकम आपकी बढ़ना, मॉनेटरी इनकम का इंक्रीज होना, ये क्या कारण बनता है, प्राइजेस को बढ़ाने का कारण बनता है। क्लियर है? तो ये प्रोफेसर पिंगू ने ऐसा अपनी डेफिनेशन में बताया। क्लियर है आपको? तो ये हमने डिस्कस किया कि मेन क्या क्या हो सकता है कारण। देखिए, साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक प्रोफेसर किन्स ने बताया कि जब फुल्ली
एम्प्लॉयमेंट से पहले की कंडीशन में हम कहते हैं कि जो इन्फ्लेक्शन है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर फुली एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार से पूर्व, पूर्ण रोजगार से पूर्व, पूर्ण रोजगार से पहले उन्होंने कहा कि इन्फ्लेक्शन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब फुली एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है, अभी लोग बेरोजगार हैं, तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि फुली एम्प्लॉयमेंट से पहले इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस फुली, अगर जैसे ही इन्फ्लेक्शन होता है, प्राइस बढ़ती है, तो यहाँ पे लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट में है, बेरोजगार है, तो लोग प्रोडक्शन को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये प्राइस को स्टेबल कर सकता है। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है कि फुली एम्प्लॉयमेंट के बाद हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन की कंडीशन आती है। क्यों आती है? क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्फ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि प्राइसेस ज्यादा होती है। ठीक है, अब प्राइसेस ज्यादा हुई, अब लोगों के पास में फुली एम्प्लॉयमेंट है, तो लोग प्रोडक्शन क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसीलिए वो इन्फ्लेक्शन का कारण बनती है, ऐसा प्रोफेसर किन्स का मानना था। क्लियर है? क्योंकि यहाँ फुली एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर आपके प्राइसेस बढ़ेगी तो साथ साथ आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर है? इसीलिए फुली एम्प्लॉयमेंट के बिफोर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन वाली कंडीशन नहीं होती है, उसे हम सेमी इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं। फुली एम्प्लॉयमेंट से बिफोर हम क्या कहेंगे, सेमी इन्फ्लेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं अर्ध मुद्रा प्रचार, अर्ध मुद्रा प्रचार। अर्ध मुद्रा प्रचार का मतलब आप समझ में आ गया होगा कि फुली एम्प्लॉयमेंट से बिफोर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही फुली एम्प्लॉयमेंट से पहले इन्फ्लेक्शन जो भी आएगा तो उसके कारण प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास अभी रोजगार नहीं है, लोग काम करेंगे। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन और वो प्रोडक्शन को उसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वहां पे सेमी इन्फ्लेक्शन हम कहेंगे। लेकिन फुली एम्प्लॉयमेंट के बाद हम कह सकते हैं फुल इन्फ्लेक्शन होता है। फुल इन्फ्लेक्शन क्यों होगा? क्योंकि प्राइस बढ़ती है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि पूर्ण रोजगार है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक मुद्रा प्रचार पूर्ण रोजगार के बाद ही उत्पन्न होता है। जो रियल में इन्फ्लेक्शन होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद होगा। क्लियर है आपको? क्योंकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पूर्ण रोजगार होगा। इसलिए तो ये हमने बहुत ज्यादा डेफिनेशन का डिस्कस किया था, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट को भी किसने बताया था, प्रोफेसर किन्स ने। प्रोफेसर किन्स ने मैंने आपको एक और बताया था कि उन्होंने कहा कि इन्फ्लेक्शन जो है सिर्फ मनी सप्लाई से नहीं बढ़ता, इन्फ्लेक्शन वो एस आई और आई आर यानी कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट से भी बढ़ता है। और ये फुली एम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है वो भी प्रोफेसर किन्स ने दी। तो ये टोटल जो डेफिनेशन है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइसेस लेवल में इंक्रीज